हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। पितृपक्ष 2020 सभी महत्वपूर्ण तिथियां भूलकर भी ना करेंगे पांच काम। पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पितृ देव स्वरूप होते हैं। इस पक्ष में पितरों के नाम से दान, तर्पण तथा श्राद्ध जैसे कार्य किए जाते हैं। माना जाता है कि जो भी इन कार्यों को श्रद्धा पूर्वक करता है तो उन पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध कर्म सांसारिक जीवन को सुखमय बनाता है। हर साल पितृपक्ष के बाद नवरात्रि शुरू होती है, लेकिन इस बार पितृपक्ष और नवरात्रों के बीच में अधिक मास पड़ने के कारण दोनों में एक महीने का अंतर हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में आपको पितृपक्ष 2020 कब से शुरू हो रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण तिथियां, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में बताएंगे। श्राद्ध पक्ष की सभी महत्वपूर्ण तिथियां। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा तिथि से हर साल पितृपक्ष का आरंभ हो जाता है। साल 2020 में पितृपक्ष का आरंभ 2 सितंबर से होगा और इसका समापन 17 सितंबर गुरुवार के दिन होगा। इसी दिन पितृ विसर्जन भी किया जाएगा। पूर्णिमा का श्राद्ध होगा 2 सितंबर, पंचमी का श्राद्ध होगा 7 सितंबर, एकादशी का श्राद्ध होगा 13 सितंबर और सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा 17 सितंबर के दिन। पितृपक्ष का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने पर देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि पितरों को भी देवतुल्य समझा जाता है। पितरों को समर्पित यह श्राद्ध पक्ष भादो पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। यह पक्ष विशेष रूप से पितरों के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। इस पक्ष में पितरों के निमित्त दान और श्राद्ध करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके आशीर्वाद से जीवन से दुख परेशानियां दूर होती हैं। पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कई बातों और नियमों का पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी बताया गया है। जैसे श्राद्ध पक्ष के दौरान मसूर की दाल, अलसी, कुल्थी, इन दालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का अपमान ना करें। पितृपक्ष में घर पर आए व्यक्ति या किसी जरूरतमंद का भी अपमान ना करें। पितृपक्ष में घर में कलेश आदि भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध अवश्य करें, क्योंकि इस समय पर पितर धरती पर उपस्थित होते हैं। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इस दौरान पितरों के नाम से दान जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।